देश में मोदी जी जो शासन में CA और NRC और नोटबंदी, ये बहुत कारण है जो देश के मजदूरों को समाप्त किया जा रहा है महंगाई के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से। आज मजदूरों को न्यूनतम आय मिलना चाहिए 21,000 रुपया महीना और 10,000 रुपया कॉम्पनसेशन, वो सब भारत सरकार चिंता नहीं कर रहा है मजदूरों के लिए। आए दिन फैक्ट्री बंद हो जा रहा है, जो सबसे उनका देश के प्रति और मजदूरों के प्रति घिन आती है। ऐसे प्रधानमंत्री के जो चिंता नहीं गरीबों का और मजदूरों का नहीं करता है। देश में मोदी सरकार आज उद्योगपतियों के गोद में बैठ गया है और उद्योगपति उसको खिला रहे हैं और वो खेल रहा है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सारे राष्ट्र में मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का मिनिमम वेज सही तरीके से उन्हें नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों के साथ श्रमिकों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। भारत शासन की नीतियों के विरुद्ध में पूरा देश में आज ट्रेड यूनियन की बहुत सारे ट्रेड यूनियन मिल करके हड़ताल में है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर पे हम लोग भी उसी के समर्थन में आज धरने पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षा कर्मियों की मांगे जायज है और भाजपा के शासन काल में ये पूरी तरह से उपेक्षित थे और कांग्रेस की सरकार आते ही इनके साथ सकारात्मक निर्णय इनके लिए लिया गया है और संविलियन जो होना था वो संविलियन हो गया है और उसमें 8 साल से अधिक जो शिक्षा कर्मी कार्यरत हैं उनका संविलियन की प्रक्रिया जारी है। For more information, log on to www.clips.in.